आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, बिल्कुल दुकान वाली, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी। इसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, हम इसे फटाफट से 2 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में 1 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने ये दुकान वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर पे जो दूध के ऊपर मलाई रहती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप कोई भी मिल्क पाउडर, 1/2 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप मैंगो प्यूरी और 1 कप फुल फैट मिल्क मतलब दूध। अब हम जार का ढक्कन बंद करके इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये कितना स्मूथ और क्रीमी बनके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल दुकान जैसी लगे। मेरे लिए ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरे पास ये चॉकलेट का खाली डब्बा घर पे पड़ा था तो मैं इसमें आइसक्रीम को सेट करूंगी। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। अब हम डब्बे का ढक्कन बंद करेंगे और इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद हम देखेंगे आइसक्रीम थोड़ा थोड़ा जम चुका होगा। अब हम इसे एक फोक की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके 1/2 कप डालेंगे। इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। आम को इस तरह से डालने से आइसक्रीम में थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा और ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम आइसक्रीम को 5 से 6 घंटे के लिए या फिर रात भर जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर हम आइसक्रीम को स्कूप करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। इस तरह से अगर आप आइसक्रीम बनाएंगे तो ये बिल्कुल दुकान जैसी सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और इस तरह की इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।